एक बार एक साइकोलॉजी की टीचर क्लास में जाती है जिनके हाथ में आधा भरा पानी का ग्लास होता है, तो बच्चे सोचते हैं ये उनसे वही सवाल पूछेंगे कि बताओ ये आधा भरा है या आधा खाली। पर वो ऐसा नहीं करती, वो एक बच्चे को उठाती है और उसे बोलती है तो उसको अपने हाथ में पकड़ो और बताओ इसका वजन कितना है। वो बच्चा आता है, उसको अपने हाथ में पकड़ता है और बोलता है इसका वजन शायद 10 या 20 ग्राम होगा। टीचर कहती है ठीक है तुम इसे सीधे हाथ करके ऐसे ही पकड़े रहो, मैं तुमसे अभी बात करती हूँ। 20 सेकंड बाद टीचर उसे फिर से पूछती है अच्छा इसका वजन कितना है। वो कहता है पता नहीं टीचर मुझे हल्का सा भारी लगने लग गया मुझे। टीचर कहती है चलो कोई बात नहीं तुम इसे पकड़ के रखो, मैं अभी तुमसे बात करती हूँ। इतने में टीचर बाकी बच्चों से बातें करने लग जाती है। टीचर 1 मिनट बाद वापस उससे पूछती है कि अब तुम्हें उसका वजन कितना लग रहा है। तो बच्चा कहता है इसका वजन ना तकरीबन आधा किलो जितना हो चुका है और अभी मेरे हाथ को तकलीफ दे रहा है। टीचर कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, ना तो हमने पानी और डाला ना मैंने तुम्हारे ग्लास के ऊपर कुछ रखा, तो इसका वजन तो उतना ही होना चाहिए। चलो ठीक है तुम उसको ऐसे सीधा ही पकड़ के रखो, मैं तुमसे अभी बात करती हूँ। करते करते 2 मिनट बीतते हैं और बच्चे से अब सहन नहीं होता। बच्चा कहता है टीचर इसको उठा लो, इसका वजन एक हथौड़े से भी ज़्यादा भारी हो चुका है और अब ये मुझसे टूट जाएगा और मेरे हाथ से गिर जाएगा। टीचर उससे वो ग्लास वापस लेती है और फिर एक चीज़ बताती है कि ज़िंदगी में जब तकलीफ़ आती है, प्रॉब्लम आती है, वो भी इसी तरीके से होती है। हम जितनी देर तक किसी एक तकलीफ़ को, प्रॉब्लम को, मुसीबत को पकड़ के रखते हैं ना, वो हमें और बड़ी लगती है और हमें और ज़्यादा तकलीफ़ देती है। इसीलिए लाइफ में जब कभी फंस जाओ और किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकाल पाओ तो उसको साइड में रख दो। अगर पूरी उम्र उसको लेके घूमोगे या फिर उसको पकड़ के रोते रहोगे तो ना तो अपना आज जी पाओगे ना अपना कल जी पाओगे। इसलिए मैं एक बात कहता हूँ कि गम हो या खुशी पल में गुजर जाएगी, तुम बस मुस्कुरा दो, मुसीबतें यूं ही टल जाएंगी।